हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी एगलेस कैरेट केक बिना मैदा के गेहूं के आटे से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। कैरेट केक बनाने के लिए एक मिक्सी का जार ले लें। ये देखिए, 200 ग्राम गाजर को छील के छोटा छोटा काट लिया है, ये इसमें डालेंगे। हाफ कप इसमें चीनी डालेंगे, 1/4 कप मेल्ट किया हुआ बटर डालेंगे, 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। ये 1 कप दूध लिया है लेकिन सारा नहीं डालेंगे, बाद में ऐड करेंगे। अभी आधा कप के करीब इसमें दूध डाल देंगे। अब इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। सभी का बहुत ही अच्छा फाइन पेस्ट बन गया है। अब इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए, ये 3 डेट्स को मैंने बारीक बारीक गुठली निकाल के काट लिया है, ये इसमें डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे, 1 टी स्पून विनेगर डालेंगे। अब इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है 1/4 कप। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर डालेंगे। ये मैंने कुछ अखरोट और काजू को बारीक चॉप किया है, ये हम इसमें डालेंगे जिससे मैदा इसके ऊपर लग जाए। और अब ये नट्स भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए, 1/2 कप मैंने ग्रेटेड गाजर ली है, ये भी इसमें डाल देंगे। सभी चीज़ों को हल्के हाथ से मिला लेंगे। डेट्स और नट्स बिल्कुल ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो डालें, अगर ना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। जो दूध हमने बचाया था उसमें से थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध की क्वांटिटी गाजर के ऊपर डिपेंड करेगी कि गाजर आपने जो ली है वो कितनी जूसी है। पूरा 1 कप दूध इसमें डल गया है। बैटर बेक होने के लिए रेडी है, बेकिंग डिश तैयार करेंगे। जिस भी डिश में आपको बेक करना है उसको ग्रीस कर लें। अगर आपके पास बटर पेपर है तो ग्रीस करने के बाद बटर पेपर लगा लें। अगर बटर पेपर नहीं है तो थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क के बर्तन को उल्टा करके इस तरीके से एक्स्ट्रा मैदा निकाल दें। मेरा ये नॉन स्टिक है इसलिए मैं बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ। अब इसमें केक के बैटर को शिफ्ट करेंगे। कैरेट केक का बैटर थोड़ा थिक ही रखना होता है। दो तीन बार इसको टैप कर देंगे। अब इसको 180 डिग्री के प्री हीटेड ओवन में 35 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप केक कढ़ाई में बेक करते हैं तो उसी प्रोसेस से इसको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में भी 40-45 मिनट के लिए आप इसको बेक करें। ये देखिए, केक को मैंने 40 मिनट्स बेक किया है। अब इसको चेक करेंगे। केक को चेक करने के लिए हमेशा सेंटर से प्रिक करें, क्योंकि अगर केक कच्चा होता है तो सेंटर से ही होता है। ये देखिए, बिल्कुल साफ टूथपिक निकली है। केक हमारा बहुत अच्छी तरह बेक हो चुका है। अब इसके ठंडा होने का वेट करेंगे, उसके बाद इसको अनमोल्ड करेंगे। केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब इसको अनमोल्ड करेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा केक बेक हुआ है। देखिए कितना स्पॉन्जी। अब इसको काट के बताती हूँ। लीजिए, बनके तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी कैरेट केक। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इसको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।